आज हम लोग टेराकोटा का प्रोसेस क्या होता है, कैसे बनता है, इस पे डिस्कस करेंगे। तो टेराकोटा आज हम लोग कॉइल प्रोसेस से बनाएंगे, और कॉइल प्रोसेस से टेराकोटा बनाने के लिए हमको कुछ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको मिट्टी चाहिए होगा, और मिट्टी कैसा होगा कि जब हम मिट्टी को लेंगे, ये जब प्रिपेयर हो जाएगा तो इसको हम लोग टेस्ट करने के लिए कि मिट्टी अच्छी बनी या नहीं बनी है, उसको ऐसे हम लोग बेंड करके देखेंगे। अगर ये ज़्यादा क्रैक आ रहा है तो आपका मिट्टी अच्छा नहीं बना है, इतना अगर हल्का हल्का क्रैक आ रहा है तो आपका मिट्टी टेराकोटा बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है। इसके साथ में आपको कुछ टूल्स चाहिए होगा, एक तो नाइफ भी होंगे तो अच्छे होंगे, और आपके पास तो क्ले मॉडलिंग का टूल्स होगा ही, तो क्ले मॉडलिंग का टूल्स चाहिए होगा, और एक कपड़े का स्ट्रैप चाहिए होगा जिसको हम लोग जब टेराकोटा बनाएंगे उसमें लगाने का काम आएगा। तो सबसे पहले हमको टेराकोटा बनाने से पहले, आज हम लोग जैसे कि कॉइल प्रोसेस में टेराकोटा बना रहे हैं, तो पहले हमको एक मिट्टी लेकर के उसको कॉइल बनाना पड़ेगा। मिट्टी लीजिए, तो कॉइल बनाइए। तो ऐसे बहुत सारे कॉइल बनाना पड़ेगा, बहुत आज हम लोग टेराकोटा का प्रोसेस क्या होता है, कैसे बनता है, इस पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा मिट्टी लेना है, मिट्टी को रोल करके एक पेडस्टल लेना है, अच्छा सा वुडन पेडस्टल, इसमें रोल करना है। रोल ऐसे करना है कि इसका थिकनेस ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, थिकनेस जो है वो मैक्सिमम 8 to 10 mm होना चाहिए। ये रोल हो जाएगा। आप ऐसा अगर एक दो कॉइल बना लिए, फिर आपको ड्राइंग डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको बनाना क्या है। अरे तो सबसे पहले आपको मिट्टी प्रिपेयर होना चाहिए, फिर आपको ड्राइंग प्रिपेयर होना चाहिए कि ड्राइंग आप बनाना क्या चाहते हो। पॉज। ड्राइंग डिसाइड किया है, हम लोग आज एक डक बनाएंगे। तो पहले हमने जैसे डिस्कस किया, एक कॉइल रेडी है। कॉइल जो मिट्टी है हमारा, वो ज़्यादा स्टिकी भी नहीं होना चाहिए, पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, ये यूज़ करने में इजी होना चाहिए, आसानी से हाथ में चिपकना भी नहीं चाहिए। तो फिर जैसे हमारा एक कॉइल रेडी हो गया, एक ड्राइंग हमारे मन में है, या फिर आपको पहले ड्राइंग करना पड़ेगा पेपर से। एक डक का ड्राइंग बनाएंगे हम लोग। तो डक, तो फिर डक एक पानी में बैठा हुआ डक है, राइट। तो क्ले को ऐसा लेना है, उसका साइज आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या साइज का बनेगा। तो आपने कॉइल लिया, उसको बेंड किया, फिर उसको हल्का हल्का आपने पिंच किया। फिर आपने दूसरा कॉइल लिया, और उस कॉइल को इसके ऊपर में पेस्ट किए। इसमें ध्यान ये रखना है कि आपने जो दूसरा कॉइल लिया है वो चिपकना चाहिए पहले वाले क्ले से। तो ये प्रोसेस कॉइल बाय कॉइल चलते जाएगा जब तक आपका शेप नहीं आ जाता। तो पहले आपको शेप लेके आना है इसमें। आपको स्पेशल ध्यान देना है कि ये जो जॉइंट दिख रहे हैं, ये जॉइंट्स जो है सारे क्लियर होना चाहिए, चिपकना चाहिए एक दूसरे से। इसके लिए आप एक टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसको पीट कर सकते हो हल्का हल्का।
और एक चीज का ध्यान देना है कि बीच में एयर नहीं आना चाहिए। सपोज इस क्ले के अंदर में अगर एयर आ जाता है तो बाद में वो फायरिंग के टाइम में ब्लास्ट होने का चांसेस रहता है, ब्लास्ट मतलब टूट सकता है, क्रैक आ सकता है। तो एयर फ्री बनाने की कोशिश करना है और अच्छे से पिंच करना है। पॉज करने के लिए तो अभी हमने जिसमें तीन लेयर लगाए हैं, तीन कोयल लगाए हैं, तो सारा जॉइंट क्लियर हो गया हमारा। अब इसके ऊपर हम लोग डक का शेप लाने की कोशिश करेंगे। एक कॉइल और लेंगे, इधर में उसका पूछ बनाएंगे, टेल इधर रहेगा, इधर हेड रहेगा। ध्यान देना है ये जॉइंट क्लियर होना चाहिए और एयर फ्री होना चाहिए। ध्यान ये देना है कि ये होलो रहना चाहिए, पूरा सॉलिड नहीं होना चाहिए। इसका हेड का शेप लाना है, शेप को मेंटेन करने के लिए जहाँ पे मिट्टी कम लग रहा है वहाँ पे मिट्टी लगा सकते हैं, जहाँ से मिट्टी रिमूव करना है रिमूव भी कर सकते हैं। He freed
ज्यादा डिटेल की जरूरत भी नहीं है, बस एक फॉर्म आना चाहिए। फिर नोज यहाँ से बनेगा, एक्सर आ रहा है तो जब इस हमारा टेराकोटा का जो मॉडल है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अभी इसका जो सरफेस है वो हम लोगों ने कुछ टेक्सचर नहीं दिया है, तो इसको अगर हमको सॉफ्ट करना है तो अलग टेक्सचर आएगा, हार्ड करना है तो अलग टेक्सचर आएगा। इसके हम लोग पंख भी बना सकते हैं अलग अलग डिटेल से, लेकिन हम इसको फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सिंपल टेक्सचर से ट्राई करेंगे। तो आपको एक पेंसिल लेना है, पेंसिल का जो बैक पार्ट है इसको हल्का सा गीले कपड़े में साफ करना है, उसके बाद में इसमें कसा प्रेस करना है। प्रेस करना है, लेकिन मिट्टी थोड़ा सा हार्ड हो जाना चाहिए। जैसे अभी अगर मॉडलिंग की है आपने तो अभी तुरंत नहीं होगा, दो तीन घंटे के बाद। तो उसके बाद में ये पेंसिल की बैक साइड से ऐसा प्रेस करना है। तो ये इसमें एक टेक्सचर आ रहा है, तो जब इस सभी तरफ टेक्सचर हो जाएगा तो एक सॉफ्ट इफेक्ट आएगा, इसमें निकल जाएगा, राइट। और बीच बीच में थोड़ा सा स्पेस रहेगा।